اسلامي
ترى هذا بقى خالص كده تشيل منك.
भाई इसके बाद सेमीफाइनल होगा। अरे भैया सलमान भाई, ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इसके बाद दो सेमीफाइनल एक फाइनल। टाइम क्या हो रही है, 5:30, मान के चलिए कि 9 तो बज ही जाएगा यहीं पे। खामोश स्कोर हो चुका है 5-6, 5 पर है गोरखपुर और 6 है पंजाब। असल में सलमान दिक्कत ये हो गई ना कि ये नॉकआउट टूर्नामेंट था, मगर
کمیٹی والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو لیگ کر دیا جائے، تو اب یہ لیگ ٹورنامنٹ ہو گیا ہے، تو لیگ میں تو بات سمجھتے ہی ہو، ٹائم تو لگنی ہی لگنی ہے، لیگ کروانے کے لیے کم سے کم دو دن کا موقع رہے، دو دن میں آدمی کرواتے ہیں، مگر یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہی ہے نا۔ ہماری طرح سے ایک پوائنٹ کا اور اضافہ ہوا، اسی ایک پوائنٹ کے ساتھ پنجاب کا بڑھتا ہوا اسکور صاف سروس پنجاب کی طرف سے۔ باؤنڈر پوچھ آگے گئے گے اور اس طرح سے سبھی چینج کرانے میں کامیاب، سب اس کے لیے تیار۔ بال آؤٹ کا اشارہ، اس کے بعد پہلا سیمی فائنل ہے گنگا پور ورسز گاجی پور، گنگا پور میں مطلب شریانس اور سعید کی ٹیم ہے، پہلا سیمی فائنل۔ کامیابی ہاتھ لگی ہے، ایک پوائنٹ کا اضافہ ہوا، آٹھ سات کا اسکور، سروس کے لیے تیار پنجاب کی طرف سے سروس۔ نہیں بھائی، ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے وہ ٹیم، خود ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہے۔ بڑھیا ساٹھ، اندر جی ٹرائی کر بیٹھے، سات آٹھ کا اسکور، سروس کے لیے تیار۔ گڈ گڈ ڈیفینس، سروس چینج سروس کا موقع ملا ہے پنجاب کو، پنجاب کی طرف سے ہوگی سروس۔ سات آٹھ کا اسکور، سروس ہوگی نیار گورکھپور کی طرف سے، چیک آؤٹ کا اشارہ، سروس کا موقع ملا ہے نیار گورکھپور کو، دونوں ٹیموں کا اسکور برابر ہے آٹھ آٹھ۔ کامیابی ہاتھ لگی، دونوں ٹیموں کا اسکور برابر ہے آٹھ آٹھ، سروس کے لیے تیار پنجاب کی طرف سے ہوگی سروس۔ کے ساتھ ارے وہ ہر جگہ ہی رات ہے۔ بال آؤٹ کا اشارہ، ایک پوائنٹ کا اضافہ ہوا، نو آٹھ کا اسکور،
और इधर से चेक आउट कराने में कामयाब। एक पॉइंट का इजाफा हुआ, 10-8 का स्कोर सर्विस होगी पंजाब की तरफ से। मौका सकता है और इस तरह से बादल आउट का इशारा, एक पॉइंट और 11 फील्ड परिवर्तन का इशारा हो चुका है रेफरी महोदय का। फील्ड परिवर्तन किया गया है, फील्ड परिवर्तन। ग्यारह-8 के स्कोर पे फील्ड परिवर्तन किया गया है। सर्विस होगी पंजाब की तरफ से। और इधर से कामयाबी, हाथ लगी, एक पॉइंट का इजाफा हुआ। इसी पॉइंट के साथ पंजाब का बढ़ता हुआ स्कोर 12-8 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। टाइम आउट लिया गया है, इनियार गोरखपुर की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। पंजाब बनाम गोरखपुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पंजाब और गोरखपुर के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पहला 12-8 का स्कोर है। फील्ड परिवर्तन की बात, एक अंक हासिल किया है पंजाब ने। फिर दोनों टीमें आमने सामने सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस को संभाला, बैक काउंटर को उछाली गई है और बाल आउट का इशारा, नो डाउट मारा। सर्विस चेंज, सर्विस का मौका मिला है। सर्विस के लिए तैयार, हल्का सा क्रॉस और ये चतुराई फ्लैट ड्रॉप दिया है। एक पॉइंट का इजाफा हुआ, 9-12 का स्कोर। हल्का सा क्रॉस, एक और फिर मौका है। बढ़िया काम लिया है, चेक आउट का इशारा। रेफरी महोदय की निगाहों से बचना बहुत मुश्किल। 10-12 का स्कोर, टाइम आउट लिया गया है पंजाब के तरफ से। वो खतरनाक 10-12 का स्कोर, टाइम आउट लिया गया है पंजाब की तरफ। हेमंत विश्वकर्मा और टाइम आउट समाप्त। सर्विस के लिए तैयार, एनआर गोरखपुर की तरफ से होगी सर्विस। और सर्विस आउट, सर्विस का मौका मिला है पंजाब को। पंजाब की तरफ से होगी सर्विस। अच्छी सर्विस, और वहीं दबोच लिए गए। जहां से निकलना चाहते थे वहीं पे दबोचा। एक पॉइंट और 13-10 का स्कोर। सर्विस के लिए तैयार, और सर्विस चेंज कराने में कामयाब हुए।
केनिया गोरखपुर की तरफ से होगी सर्विस। अच्छी सर्विस और इधर से बाल आउट का इशारा सर्विस होगी एनआर गोरखपुर की तरफ से। 11-13 का स्कोर। मैं ग्राउंड पर आजमाया हल्का हैंड दिया था और खाली जगह में बाल को डाउन किया। 13-11 का स्कोर। ये तो संभाल लिया है और इस तरह से बाल आउट का इशारा। एक पॉइंट और मिल गया है पंजाब को 14-11 का स्कोर। सर्विस के लिए तैयार। बढ़िया जवाब दिया है दाल तो हमको आपका टीम के जवाब पत्थर से। सर्विस के लिए तैयार एनआर गोरखपुर की तरफ से होगी सर्विस। मौका हो सकता है और वाला आउट का इशारा। नो डाउट बॉल आउट। 12-14 का स्कोर। सर्विस होगी एनआर गोरखपुर की तरफ से। अंडर नेट ट्राई कर बैठे पॉइंट के चक्कर में हो गए घन चक्कर। सर्विस के लिए तैयार। मौका हो सकता है मौका है काफी। बढ़िया साथ दिया उसे अंतिम खिलाड़ी के तो समाधान काउंटर को छाने के लिए और चेकआउट का इशारा रेफरी महोदय का। इन्हें गिरने का हौसले बचना बहुत मुश्किल। 12-14 का स्कोर। और इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है। और वहीं दबोच लिए गए। दोनों टीमों का स्कोर बराबर 14। क्या शानदार मुकाबला चल रहा है। सर्विस रेट का मुशाने के लिए बहुत मेहनत किया लेकिन 14-14 का स्कोर है। दोनों टीमों का स्कोर बराबर है। अंडर ने ट्राई कर बैठे एक पॉइंट पे।
इस एक पॉइंट के साथ एनएआर गोरखपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 15-14। पंजाब चेक आउट का इशारा भाई, इसके बाद पहला सेमीफाइनल है 14-15 का स्कोर श्रियांश और सईद की टीम से गाजीपुर का। उसके बाद जो होगा दूसरा सेमीफाइनल, इस मैच में जो टीम जीतेगी वो खेलेगी, हाँ भाई कुश सिंह की टीम से खेलेगी आदित्य, यानी कि डेहरी। और इधर से सर्विस होगी एनआर गोरखपुर की तरफ से। अच्छी सर्विस, बढ़िया साथ दिया है काउंटर अधिकारी, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, सर्विस का मौका मिला है। पंजाब की तरफ से सर्विस, मौका है बैठे क्योंकि इस गेम पे अब इस तरह से कामयाबी हाथ लगी है। 15-14 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। बहुत जबरदस्त 14-15 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। और ये बॉल आउट का इशारा, नॉट आउट माना। 14-15 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। बढ़िया सवाल दिया है, सभी चेंज कराने में कामयाब, सर्विस के लिए तैयार। एनआर गोरखपुर की तरफ से होगी सर्विस। और वहीं दबोचे गए, एक पॉइंट का इजाफा हुआ, इसे एक पॉइंट के साथ पड़ता हुआ इसको 16-14 का स्कोर। एनआर गोरखपुर की तरफ से, और ये सर्विस चेंज कराने में कामयाब। अच्छा ये थोड़े थोड़े और शाही नजर आए हैं, ये वॉलीबॉल के सच्चे प्रेमी, ये वॉलीबॉल के सच्चे दीवाने यहाँ पर देखे जा रहे हैं। स्नेश खूबसूरत हल्का बेसमेंट, दोनों तरफ से आप बराबर बनी हुई है, इस मतलब काउंटर के लिए आता है। खूबसूरत आती है 16-14 जमानस के दीवाने मासूम के मिस्त रहे हैं, और मानस ऐसा चेहरा हमारे गाने का जो बैठे इस जमीन से उभरा दूर तक वाली बाल की नुमाइंदगी, और मास्क का सिर होकर वो सिर में इस बात पर
पूछने जाता हूँ कि न जाने न जाने कितने चिरागों को मिल गई शुभ्रत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शुभ्रत एक आफ्ताब के बेरब डूब जाने से। सही कहा है, सही यहाँ पर महाभारत और
آسم اسپورٹس صاحبہ علی بھی آسیہ ان لوگوں کو مبارکباد کہ جب سے لائف شروع ہوا ہے لوگ اپنے گھر بیٹھ کر میچ کا آنند لیتے ہیں لطف لیتے ہیں میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لوگوں کا وقت بچتا ہے ان کا پیسہ بچتا ہے کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں کچھ لوگ گھر بیٹھ کر پوری رات ساری سال یہاں جا کر ان چینلوں کے ماتھے سے ٹورنامنٹ کو دیکھتے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان چینلوں کے ساتھ لائف میں قبلہ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پلیز ان بھائی ماں کی نزاکت کو پڑھا یقین حاصل کیا 20 این سی او ڈی کیڈ نیشنل کیڈ پنجاب اور ان چاروں میڈیا کے لوگوں کو بھائی بھائی میڈیا کے لوگوں کو میں بات کی ہے عبداللہ شرازی جو حسن جان کے بھائی کے بھائی کے بھائی ایکسس لوگیوں میں پولیس لائے کسی بھی چیز کی زیادتی ہوئی ہوتی ہے اور کر بیٹھے تو چاروں میڈیا کے حوالے سے میں بات کیا سیر مکرم بھائی بھائی میڈیا یہ چاروں جو ہمارے بھائی بھائی میڈیا کے لوگوں میں اس بات کو آپ لوگ پبلش کر لیں ٹھیک سے ریکارڈ کر لیں یہ قدر بنا لیں کہ اگر ہم نہ ہوتے وہ کیسل کون کہتا اگر ہم نہ ہوتے وہ کیسل کون کہتا تمہارے سر کو ہوٹوں کو کمل کون کہتا یہ تو محبت کا کرشمہ ہے یارو ورنہ پتھر کو تاج محل کون کہتا شکریہ آپ لوگوں کا قاسم صاحب یہ کھلاڑیوں کو سرسری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ اشک بن کر گھومنے چشمتا میں رہتا ہے عبد البھائی اس کے بعد دو سیمی فائنل ایک فائنل بچا ہوا ہے یہ کوارٹر فائنل تھا اب صحیح جالم اور شریانس بس تھوڑا سا میٹنگ کرنا یہاں پر